तो नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। मोदी करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और बस अपने काम कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से जुटे होंगे, जो बाकी आम जनता है वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही होगी। अच्छा, कर्तव्य से याद आया कि इलेक्शन आ गए हैं और इलेक्शन का जो माहौल है बहुत गर्म है और धीरे धीरे इलेक्शन पास आते जा रहे हैं। राजस्थान में तो फर्स्ट और सेकंड फेज में ही इलेक्शन होने वाले हैं और रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। किसकी किस्मत में क्या है उसका फैसला हो जाएगा। किसकी किस्मत में लिखा है कि वो सत्ता में बैठेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इस बात का फैसला भी हो जाएगा। टेक्निकल टीम एक बार मुझे कन्फर्म कर दें कि आप मेरी वॉइस क्लियरली सुन पा रहे हैं। टेक्निकल टीम प्लीज़ कन्फर्म कर दें एक बार। ओके, तो चलिए, तो जो आज का हमारा मुद्दा है वो हो सकता है कि आम जनता के लिए उतना रेलेवेंट, मतलब उतना उन्होंने उसके बारे में सुना ना हो। ऐसा मुद्दा जो कि शायद वो लोग जनरली इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर ना किया जा सके, जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की और हम बात करेंगे दल बदलू की, या दल बदलने की हम बात करेंगे। हम पूरी जानकारी लेंगे कि दल बदलना क्या होता है, लोग जो नेता लोग हैं दल क्यों बदलते हैं। हम ये भी जानेंगे कि नेता लोग जब दल बदलते हैं तो उससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक कितने लोगों ने दल बदले हैं। हम सारी बातें करेंगे और ऐसे लोगों की भी हम बात करेंगे जिन लोगों ने एक दिन में 4 बार भी अपने दल बदले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ हर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल एट द मोदी करियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फटाफट आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम इसकी शुरुआत कर सकें। तो हम चलिए बात करते हैं। इट्स टाइम टू रीलुक एट एंटी डिफेक्शन लॉज। हम बात करेंगे कि अब आवश्यकता क्यों आ गई है इन एंटी डिफेक्शन लॉज को बदलने की, आवश्यकता क्यों आ गई है इस दल बदलू कानून को बदलने की। हम वो सारी बातें हम बात करेंगे। तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपको पता लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ ये दल बदलू है। यहाँ पे देखो इसके हाथ में सूटकेस है, ये इसे दे रहा है और दोनों की स्माइल तो कितनी प्यारी है। आप देखिए इनकी मुस्कुराहट, देखिए कितनी प्यारी है। ये सूटकेस नहीं है, अरे ये तो जनता के विश्वास का खून है जो ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जनता के विश्वास का मर्डर है। ओके, यहाँ देखेंगे, देखो इसने कांग्रेस का झंडा फेंका और इसने बीजेपी का झंडा फेंका, ठीक है। मतलब इन्होंने चेंज कर लिया या अपना जो वो है या अपना जो पर्टिकुलर पार्टी है बदल ली। हम वो सारी बातें जानेंगे, इस फैक्ट में हम आगे डील करेंगे। ये सारे टॉपिक हम बात करेंगे कि अभी तक कितने डिफेक्शन के केसेस हो चुके हैं। हम बात करेंगे कि डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन कितने सालों में कब कब कितना क्या क्या रहा। हम बात करेंगे डिफेक्शन लॉ होता क्या है। हम बात करेंगे मुश्किलें क्या है, मतलब हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है। हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के इश्यूज़ की, वोटर्स को क्या क्या इश्यूज़ है, और ये सारे मुद्दे हम डील करेंगे। सजेशंस की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, कौन सा तमाचा मारा इस लॉ के ऊपर, हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली एक जो 2-3 स्टेटमेंट है ये बहुत वायरल हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा, ये किरण रिजिजू हैं जो अपने कानून मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सब्सटेंसिव डिक्रीज इन द केसेस ऑफ डिफेक्शन इज नीड नो नीड टू अमेंड। इन्होंने कहा है कि जो दल बदलू के केस हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कहा है, जो ये अजरुद्दीन ओवैसी जी हैं उनका कहना है कि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए इनमें परिवर्तन लाना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं एग्जैक्टली लॉज होते क्या हैं, या जो ये अपने एंटी डिफेक्शन लॉज हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। देखिए होता क्या है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, चुनाव होते हैं, लोगों को टिकट मिलता है, लोग उस पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। या लोग, जिन लोगों को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके, स्वतंत्र कैंडिडेट होके अपना चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में वो लोग क्या होते हैं, वो जीत भी जाते हैं। जीतने के बाद में फिर शुरू होती है असली प्रॉब्लम। होता क्या है, जीतने के बाद में जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया है उस पार्टी को छोड़कर वो कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टी का हाथ छोड़ देते हैं, ठीक है, या वो कहीं और ज्वाइन कर लें, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते, उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। एक पार्टी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में होता क्या है, हम लोग
उस कैंडिडेट को वोट नहीं देते, हम उस पार्टी को वोट देते हैं। हम भरोसा करते हैं कि जो हमारा जो जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया है वो उस पार्टी के साथ मिलके काम करेगा, और साथ मिलके जो हमारी उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हम करते हैं, उन पे वो खरा उतरेगा, ये बात होती है। पर होता क्या है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद पार्टीज क्या करती है, सारे एमएलए को जाके एक रिसोर्ट में बंद कर देते हैं। रिसेंटली कर्नाटका का अगर आपको वो सुना हो, एक इसके इलेक्शन के बाद में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था कि सारे के सारे जितने भी एमएलए थे उनको रिसोर्ट में बंद कर, रिसोर्ट में रखा गया, जैसे इलेक्शन जीते बस भर के या चार्टर प्लेन से उनको कर्नाटका में जाके वहाँ पे रोक लिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों, क्या उनका ईमान इतना डगमगा जाता है जीतने के बाद कि उनको पैसों से खरीदा जा सकता है, क्या उनका ईमान इतना स्लो है या उनका ईमान में इतनी भी दम नहीं है कि जीतने के बाद में उनको पैसों से खरीदा सके। उनकी खुद की पार्टी उस बात पे भरोसा नहीं करती और वो दल बदल लेते हैं, या उनका डर है कि वो दल बदल लेंगे और हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, तो हम सारे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ है, इंटरफेक्शन लो को यहाँ पे पट्टी बांध के रखी है, डेमोक्रेसी जो अपना लोकतंत्र है वैसे खड़ा है, और पोस्ट पोल ड्रामा, कौन सा ड्रामा, इलेक्शन के बाद में ये ड्रामे वहाँ पे होने के चांस या ये ड्रामे वहाँ पे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, देखिए अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा 52वां या 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके 10th शेड्यूल में 1985 में 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया, इसको जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि क्वालिफिकेशन के क्या क्या, डिसक्वालिफिकेशन के क्या क्या ग्राउंड होंगे। देखिए आपने सुना होगा एक वेरी फेमस केस था, आया राम गया राम केस। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ। हरियाणा में इलेक्शन हुए, हाँ जी हुए, इलेक्शन होने के, प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको मेरी बात समझ में आ रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, मेरी बात आप समझ पा रहे, इस बात में आइडिया। तो आया राम गया राम केस हुआ, उसमें क्या हुआ, हरियाणा से एक एमएलए थे वो जीते, हाँ जी भाई जीते। जीतने के बाद में उस बंदे ने ओवरनाइट हाथों हाथ अपनी पार्टी 3 बार बदली, 3 बार, पहले कांग्रेस में था फिर बीजेपी में चला गया, फिर उसने 3 बार अपनी पार्टी बदली। ठीक है, तो वहां पे असल बड़ा रीजन है कि उसने पार्टी क्यों बदली, देश सेवा के लिए। अरे वो देश सेवा तो वो उस पार्टी में रह के भी कर सकता था, उसने पार्टी बदली फॉर द मनी, पैसे के लिए। ठीक है, कुछ गेन द एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पावर, जैसे कि कहा गया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आपको कोई अच्छी पोस्ट दे देंगे या हमको कोई मिनिस्ट्री अच्छी वाली दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें हुई। तो उस फेमस आया राम गया राम केस, उस केस का बहुत अच्छा नाम है, आया राम गया राम केस। उस केस के बाद में थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि नहीं, हमें जो ये डेफिकेशन लॉ है, जो दल बदलू कानून है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें पॉलिटिकल सिनारियोस की, आगे हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या क्या जरूरी है। 2-3 चीजें हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई भी पर्सन अपना, जब पार्टी बदलता है या पार्टी चेंज करता है, तो उसमें जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उसका खंडन होता है, खून होता है। एक बात बताइए, जब इलेक्शंस, जब इलेक्शन में वोट दिया जाता है या इलेक्शन में जब वोट होते हैं, तो जब कोई भी पर्सन वोट देता है तो उम्मीद करता है, वो किसी उस कैंडिडेट को वोट नहीं देता, वो उस पूरी की पूरी पार्टी को वोट देता है। जब पूरी की पूरी पार्टी को वोट मिला है और वो सेम पर्सन है, इलेक्शन जीतने के जस्ट बाद अपनी पार्टी बदल ले। फॉर द एग्जाम्पल इज, मैं पर्सनली पार्टी ए को सपोर्ट करता हूँ और उस पार्टी ए में एक कैंडिडेट है, ठीक है, उस कैंडिडेट का नाम है आर, ठीक है, एक मान लो कोई भी कैंडिडेट है, रोहिताश या रोही करके एक कैंडिडेट है, ठीक है, वो है, उस कैंडिडेट को मैंने वोट दिया और इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मेरी पार्टी ए से बिलोंग करता है और वो ए पार्टी मेरी खुद की है, मतलब या मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और जैसे ही रोही जी केस जीते, रोही जी इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीते वो बी पार्टी में चले गए, या फिर रोही जी को मैंने वोट दिया क्योंकि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, मतलब स्वतंत्र रूप से खड़े हुए, और जैसे ही वो जीते वो जाके किसी पार्टी में शामिल हो गए, तो यहाँ पे भी बात बिगड़ गई। तो इसको दल बदलू या दल बदलना कहते हैं। चलिए कुछ और एथिक्स हम कोर पॉइंट की बात करेंगे, पर पहले हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन रीजन आपके ये हो गए, इसमें जो स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका, वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होती है। और क्यों ज़रूरी है इसके लिए, हम बताया गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना के रखने के लिए। ठीक है, और चीज़ों की हम बात करें,
तो यहाँ पे जरूरी है कि इथिक्स पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल जो पर्सन है या जो राजनेता है उसके बिहेवियर, मतलब उसके ऊपर इथिकल वैल्यूज रहे, इथिकल चीज़ें फिक्स रह सके, ठीक है। टू चेक द कैश फॉर द वोट, ठीक है। होता क्या है कि जीत गए, जीतने के बाद में एक कांड शुरू होता है जिसे कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब होता है एमएलए की खरीद फरोख्त, एमएलए इसको पैसे के लिए खरीदना बेचना, अपना वो पर्टिकुलर बहुमत हासिल करने के लिए। वो किस में आता है आपका, ये इसमें आएगा, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं इसे, खरीद फरोख्त इसे बोलते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के मर्जर, यहाँ पे बात करें कि जो एंटीफेक्शन लॉ आया था उसका एक प्रावधान ये भी था जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके मर्जर में इजीनेस हो या आसानी हो, वहाँ पे पैसा वैसा ना चले या पैसा ना चले, ये भी इस जो ये लॉ था इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। कुछ और चीज़ बात करें, अगर इस लॉ के वीकनेस की हम बात करें तो यहाँ पे इसकी कुछ वीकनेस है, वो बहुत अच्छी वीकनेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें वीकनेस है। जैसे कि मान लो ग्रुप में डिफेक्शन हो गया, पहले क्या था, अभी तो खैर चेंज हो गया है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर पार्टी, 1/3 अगर पूरा बदल जाता है या 1/3 पूरे के पूरे किसी और पार्टी में चले जाएं तो उसको भी दल बदलुता मानी जाती थी। अब एक बात बताओ, गोवा में रिसेंटली केस हुआ था, गोवा में वहाँ पे तीन जो एमएलएस थे, दैट इज बहुत पुराना केस है, वो किसी और पार्टी में जाके मिल गए थे। अब वहाँ पे जो टोटल जो वहाँ पे सीट्स है वो ही 4 थी, तो उसका ये 1/3 हो जाता है, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना गया, तो ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस हुई। दूसरी बात यहाँ पे रीज़न क्या है, एक और यहाँ पे है कि फ्रीडम ऑफ एमपी और एमएलए की स्पीच छीन ली जाती। फॉर एग्जांपल इज मैं किसी पर्टिकुलर ए पार्टी से भरोसा करता हूँ और मैं, आप लोगों ने मुझे वोट दिया, वोट देने के बाद में जीत गया, जीतने के बाद में मुझसे कहा गया कि हमें इस पर्टिकुलर जो ये लॉ है जो कि पार्लियामेंट में है इसके अगेंस्ट में वोट देना है या वोट नहीं देना है, तो ये मेरी पार्टी ने डिसाइड किया। अगर मेरी इच्छा है मैं उस पर्टिकुलर उस बिल के लिए वोट देना चाहता हूँ, और अगर मैं पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट देता हूँ तो बहुत अगेन वो गलत हो जाता है और मुझे मेरी पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाएगा या उसको डिफिकेशन कानून, इसमें डिफेक्शन कानून में उसको ऐड कर लिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। दूसरा, वॉलेंट्री गिविंग द मेंबरशिप। होते क्या है, मान लो मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मैं जीता, अब धन धन बल पैसा या कुछ भी बताकर मुझसे कहेंगे आप मेरी पर्टिकुलर जो मेंबरशिप है उससे कोई रिजाइन कर देता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं पे डिफिकेशन के पास इसमें माना गया था, डिफेक्शन लॉ में उसको ऐड कर लिया गया था। सेकंड है, देर इज नो टाइम लिमिट। मैं चलिए आपको एक सीधा सीधा केस एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट की जो मेंबरशिप है, उस कैंडिडेट ने जीता है, जीतने के बाद में उसको उसकी पार्टी ने, उसने कहीं पे वो उस किसी और पार्टी में शिफ्ट हुआ, पार्टी में शिफ्ट होने के बाद में उसको उसकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया या इनएलिजिबल या डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद देखिए, याद रखिएगा, इसके ऊपर वो चाहे तो कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल, अगर उसे निष्कासित किया गया है या डिस्क्वालीफाई किया, कोर्ट में जा सकता है। बट कोर्ट में जाने के पहले उस सदन का जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है, जो चेयरमैन है, वो उसके ऊपर फैसला देगा। ये बात इस लॉ में बक्के लिखी गई है, पर सवाल यहाँ पे ये है कि वो कितने टाइम में फैसला देगा, ये नहीं लिखा हुआ है। मान लो 5 साल के लिए कोई पर्सन चुना गया है, अब प्रोसीडिंग ऑफिसर के पास वो पहले केस जाएगा, प्रोसीडिंग ऑफिसर अपना निर्णय दे, निर्णय देने के बाद में उसी आधार पर कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब प्रोसीडिंग ऑफिसर ने ये बोला कि हम इसका आंसर देंगे, आराम से देंगे, SBI की तरफ बोलो, लंच के बाद आओ, तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा जो मुद्दा खड़ा होता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, प्रोसीडिंग ऑफिसर चाहे तो उस केस को कितने भी टाइम तक अपने पास रख सकता है, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। कुछ और चीज़ों की हम बात करें तो आर्टिकल जो हमारा जो आर्टिकल 102 है और 191 है वो एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है। याद रखिएगा, जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आर्मी में जाना है, वो इसको याद रखिएगा, हमारे संविधान के आर्टिकल 102 के क्लोज 2 और 191 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो आपको बता चुका हूँ, फेमस आयाराम गयाराम केस, उसके बाद में ये चीज़ नोटिस में आई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके फाइन, कुछ और चीज़ों की बात करें, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद, मान लो कोई पर्सन है वो नॉमिनेट हुआ है, मान लो जो हमारे
राजेश सर हैं वो नॉमिनेट हो गए किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, उनको ले लिया गया, वो चाहें तो 6 महीने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर वो 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस लॉ में क्लियरली मेंशन, इस बारे में मेंशन है। आप ये कार्टून देख के समझ ही गए होंगे, आया राम गया राम केस, ये दल बदलू होने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें उस पर्टिकुलर जो एमएलए था हरियाणा से थे, वो उन्होंने एक ही रात में 3 बार अपनी पार्टी बदली। अब मेरा तो सवाल ये है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसा भी क्या हुआ कि एक रात में 3 बार उनको अपनी पार्टी बदलनी पड़ी, ऐसा भी क्या हुआ कि उनको 3 बार पार्टी बदलनी पड़ी। यह यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि इन्होंने चेंज द पार्टीज, ठीक है, थ्राइस, 3 बार उन्होंने अपनी पार्टी बदली। ठीक है, 1967 का ये केस है। कुछ और चीजों की हम बात करें डिफेक्शन लॉ में, 10th शेड्यूल में ये मेंशन है, 10th शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफिकेशन क्या रहता है, देखिए डिफेक्शन लॉ क्या है, डिफेक्शन लॉ का जो सीधा सीधा मीनिंग है वो ये होता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपनी पार्टी के साथ में अपनी पार्टी का जो विल है, उनकी इच्छाएं हैं, उनको ना मार कर वो क्या करे, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट ग्रुप जाके ज्वाइन कर ले। उदाहरण दे रहा हूँ, इज जस्ट एग्जाम्पल, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। को अगर आजकल जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, और बीजेपी को जो, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी में उनका फ्यूचर है। अगर आप नीतीश कुमार गवर्नमेंट की बात करेंगे, उस पर्सन ने कितनी बार बीजेपी, आरजेडी, बीजेपी और बाकी दल कितनी बार बदले, कांग्रेस के साथ जाने की भी बातें बीच बीच में आई थी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये दल बदलूता, ये कहीं ना कहीं पे हमारे लोकतंत्र के लिए जहर है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो उनकी लॉयल्टी है, आप लोगों के प्रति लॉयल्टी मान लो, या अपनी टीम, अपनी जो पार्टी लॉयल्टी, उसका खंडन करते हैं। तो डिफिकेशन की सॉरी डिफेक्शन की डेफिनेशन यही है कि वहां पे वो पर्टिकुलर उस चीज को चेंज करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और जो लॉयल्टी है उसको अपडोनेंट कर देते हैं। इसका मतलब होता है लॉयल्टी को छोड़ना या लॉयल्टी को आहत करके आगे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेफिकेशन जो ये अपने एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो डिफेक्शन के जो केसेस हैं वो इतने ही हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक सबसे ज्यादा जो एमएलए एमपीज हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो सबसे ज्यादा इसके कांग्रेस के हैं। ये आपका एनसी से कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पार्टी बदल के किसी और पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके बाद में बीजेपी, याद रखिएगा कांग्रेस यहाँ भी नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखना है। बाकी और भी पार्टीज है अलग अलग। यहाँ पे कुछ और चीजों की बात करते हैं कि जो ये डिफेक्शन लो है, ये 1997 में 500 के ऊपर डिफेक्शन के केसेस आए, 1967-72 में हाफ ऑफ दी इसके केसेस आ गए, 1968 में कमेटी बनाई गई इसके ऊपर, 1973 में जो 32 अमेंडमेंट बिल है वो पास किया गया, और 1985 में 10th शेड्यूल में इसको फाइनली ऐड कर दिया गया। इसमें याद रखिएगा जो डिफेक्शन के जो केसेस हैं उसमें फ्लोर क्रॉसिंग आता है, मतलब फ्लोर क्रॉसिंग का यहाँ पे मतलब रहेगा कोई भी ए पार्टी से बिलोंग करता है वो इस फ्लोर को, जो आपका पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है या पार्लियामेंट की जो वो है उसको फ्लोर कहते हैं, वो क्रॉस करके, मतलब फिजिकली नहीं बट ऑन डॉक्यूमेंट और विचारधाराओं के आधार पर वो किसी दूसरी बी पार्टी में शामिल हो जाए, वो सब उसमें आते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, वाय, क्यों जो ये नेता हैं ये अपनी पार्टी क्यों बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? देखिए इसका सबसे बड़ा, अगर हम कुछ रीजन की बात करें, पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है अपना सपना। अपना सपना कमेंट में लिखो, अपना सपना क्या? अपना सपना मनी मनी, ठीक है, पैसे के लिए पार्टी बदलते हैं उनको, या फिर बात कर लो कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन दे दी जाए, उनसे कहा जाए कि भाई साहब आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम आपको कोई अच्छा सा डिपार्टमेंट दे देंगे, हम आपको फाइनेंस दे देंगे, हम आपको एजुकेशन दे देंगे, हम आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे देंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है कि इसके लिए वो चेंज कर, तो ऐसे लालच दिए जाते हैं, और जो पर्टिकुलर नंबर है आपको पता है कि बहुमत के लिए 1 सीट ज्यादा चाहिए, तो बस बहुमत लेके वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एमएलए की खरीद फरोख होती है,
उसे बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ले भाई मारी पार्टी में आ जा, या मारी पार्टी ज्वाइन कर ले, मैं तुमको इतने करोड़ देता हूँ, आ जा मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उसको हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आपने रिसेंटली एक मीम बड़ा वायरल हो रहा था, उस मीम में लिखा था कि जिस स्पीड से लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, अगर किसी दिन वो सारे लोग फिर से पलट गए तो कांग्रेस बिकम बीजेपी, बीजेपी बिकम कांग्रेस, सारी की सारी जो बीजेपी वो कांग्रेस बन जाएगी, ऐसा एक मीम आ रहा था बीच में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हेयर, यहाँ पे नोटिस, इस पर्सन को प्लीज मुझे कमेंट में बता दे, अगर आप इनको पहचानते हैं तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ये कर्नाटका की ओर है, अगर आप समझ पा रहे बताएं। यहाँ पे देखो, इन्होंने घोड़े को हरा चश्मा लगा के रखा है, कहने का मतलब है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा। कुछ और चीजों की बात करते हैं, तो यहां पे हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, अब यहां पे डिफेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, व्हाट इज नॉट ए डिफेक्शन। पहला तो हो गया कि भाई अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जो ज्वाइन करते हैं वो डिफेक्शन में आता है, अब डिफेक्शन किसे नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर जो पार्टी है वो सारी की सारी ही दूसरी पर्टिकुलर पार्टी में मर्ज हो जाए तो उसे हम लोग दल बदलू करना नहीं कहेंगे। उदाहरण दे रहा हूं जो लोग आम पब्लिक के समझाने के लिए, कोई भी ए पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 1/3 से ज्यादा मेंबर या पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, फुल पॉलिटिकल पार्टी, ये बी के साथ जुड़ गई, सारी पॉलिटिकल पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ गई, तो उसको हम डिफेक्शन नहीं कहेंगे। मान लो ये जो ए लोग मिलके हैं, ये लोग मिलके कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना दें, एक तीसरी वाली पार्टी, सी पार्टी, तो भी उसे डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। कुछ और चीजों की हम बात करें, ठीक है, और तो ये सारी चीजों में डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा, इसको हम डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम बातें, व्हाई वॉज द लॉ इनेक्टेड, इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इस कानून की जरूरत पड़ी जो ये पॉलिटिशियन हैं जो कि करप्शन करते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, एमएलए को खरीदते बेचते हैं, तो वो सिर्फ उनको नहीं खरीदते, वो करते क्या है, जिस जो वोटर है, जिसने वोट दिया है, उसका ईमान धर्म सब बेच देते हैं, ठीक है, उसी के साथ में। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए इस कानून को फाइनली लाया गया। यहाँ पे एक और बहुत प्यारा से लिखा हुआ है, राजस्थान गहलोत गुट का दावा, 92 विधायकों ने दिया इस्तीफा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मम्मी कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं। तो यहाँ पे दो बात, अगर आपने सुना होगा वेरी फेमस सचिन पायलट केस, तो वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया की राजस्थान में कांग्रेस को तोड़कर उनको या कुछ एमएलए को तोड़कर अपनी सरकार बना ली जाए। अगर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी, बाद में उन कमलनाथ की सरकार को हटाकर बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और जो मामा जी थे उनको फाइनली अपना वो दिया, मामा जी को सरकार, या मामा जी को फाइनली सीएम बनाया गया था, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉस, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के कुछ जो नेता थे उनको वो किया गया। एक और ये जो एक मीम है जो बहुत वायरल है, यहाँ पे ये कमल, यहाँ पे ये सड़क से उठा के सीएम बना दूंगा, और यहाँ पे लिखा सत्ता में आता हूँ समझ में नहीं, हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं मैं सत्ता में आता हूँ पर समझ में नहीं, मुझे कमेंट में बताएं कि इसका ओरिजिनल डायलॉग क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बनाया है, लिखा हुआ है जेठालाल बोल रहा है बीजेपी के साथ रहूं या आरजेडी से मिलूं, ठीक है, सोनिया जी से बात करूं, मुझे तो सीएम रहना है, मत कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो किसी भी पार्टी में रहे, वो अपना जो पावर है वो छोड़ना नहीं चाहता, उनको अपना पावर पर्टिकुलर चाहिए और पावर बना के रखना ही है, बात आप ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे ये वो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सेज, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, हम बात करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ का एंटी डिफेक्शन कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, नीड जरूरी क्यों है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सारी पार्टी सपोर्ट स्टेबिलिटी बनी रहे, लॉयल्टी पार्टी मेंबर्स की बनी रहे, ठीक है, और लोगों की जो विल है, लोगों का जो भरोसा है वो बना रहे, करप्शन कम से कम हो, करप्शन से बचने के लिए इस दल बदलू कानून को लाया गया। परेशानी इसके साथ क्या क्या है, परेशानी है कि क्या करते हैं कि अगर मान लो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ और उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई जो मुद्दा है जो कि पूरी पार्टी विरोध करती है पर मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं वैसा होना चाहिए, उदाहरण के तौर पे मान लो मैं कांग्रेस में हूँ, उदाहरण के लिए मान लो मैं कांग्रेस में हूँ
और मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ, एमपी हूँ। अब होता क्या है कि मैं पर्सनली सीएए को सपोर्ट करता हूँ, तो जब मैं उसको सीए को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी पार्टी विरोध कर रही है, अगर मैं पार्टी के अगेंस्ट जाता हूँ तो फिर ये जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इसमें मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरी परेशानी की बात करें कि मर्जर, अगर दो पार्टी आपस में मर्ज होती है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती वैसी, बदल जाती है, ठीक है। और एक्सपल्शन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी बातें होती हैं। कुछ कॉस्ट की बात करें तो याद रखिएगा 1967 से 68 तक, ठीक है, एटलीस्ट 438 जो एमएलए थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो 438 एमएलए थे वो शिफ्ट हुए। एंटी डिफेक्शन लॉ नेवर बीन एबल टू डिफेक्ट, उनको रोक नहीं पाया, ठीक है, कितनी भी कोशिश करी बट कहाँ सुधार आया है। ये लॉस कब से बना है बट आज भी लोग दल बदलते हैं, आज तक लोग बदलते हैं, बिहार तक बात जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किस देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, और जो हमारा मोदी ऑर्गेनाइज, जो मोदी करियर इंस्टीट्यूट है, इसका नाम जरूर मोदी है, बट वी आर नो वेयर अफिलेटेड विद नरेंद्र मोदी जी, और हम उनको सपोर्ट या डिमोट नहीं करते हैं। हमारा जो, हम हमेशा फैक्ट की बात करते हैं, मोदी करियर इंस्टीट्यूट हमेशा फैक्ट की बात करता है, मुद्दों की बात करता है, ठीक है, हवा में बातें नहीं करता है। और रोहित जी, मैं आपको बता दूं, हम बिहार को सपोर्ट या डिमोट नहीं करते, जो डेटा लिखा हुआ है हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। कुछ और चीज़ों की बात करें तो 1990 से 2000 तक गोवा में 60 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स बने, इसकी वजह से 7 लोगों ने बाबा बदला, और डिफेक्शन रिजल्ट बहुत पुअर चीज़ें उसके साथ में हुई है। ओके, नाउ एंटी डिफेक्शन लॉस के बारे में दो चीजें मैं आपको बता दूं। आखिरी स्टेप है, देखिए दो बातें हैं। अब आम आदमी को दल बदलू किसी के होने से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, पहले दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन फिर भी अगर आप जा किससे पूछोगे कि दल बदलू कानून क्या है, अगर कोई दल बदलता आपको कोई दिक्कत है क्या, तो बोलेंगे नहीं, हमने तो भाई साहब कोई परेशानी को नहीं, बदलने दो, दल क्या होता है, हमने तो वोट बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है वो ही देंगे, तो कोई फर्क को नहीं पड़ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इससे आम जनता पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम कुछ कारण ऐसे जानेंगे, एक रिसर्च रिपोर्ट में से आया है कि हम क्यों इसे इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम वोट देते हैं पार्टी को, हम कैंडिडेट को वोट नहीं देते, कैंडिडेट कितना भी इधर उधर बदले हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरा, हम ये मान चुके हैं कि जो दल बदलना है ना, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये तो होता ही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये वाला रीजन वहां पे आ जाता है। एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो 52% जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो पार्टी को वोट देते हैं, और जो 37 जो लोग हैं परसेंट कैंडिडेट हैं, वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, ठीक है। कुछ और चीजों की हम बात करें, जैसे कि री इलेक्टेड ऑफ द पार्टी, ठीक है, यहां पे थोड़ा री इलेक्शंस का भी इशू रहता है। दूसरा, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला कि जब डिफेक्शन के केसेस होते हैं तो हम क्यों दोबारा इलेक्शन नहीं करा सकते। मैं आपको बता दूं कि जब एक इलेक्शन होता है तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होता है, पहली बात तो ये। तो इलेक्शन जो का मुद्दा है ना, इलेक्शन है, बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत महंगा है ये, ठीक है। अगर डिफेक्शन के नाम पे हम लोग दोबारा इलेक्शन कराएंगे तो कितना कुछ, कितना खर्चा होगा, दोबारा बैलेट पेपर छपेंगे, दोबारा ड्यूटियाँ लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन, कारें इधर उधर होगी, पुलिस को, बटालियन को वहाँ पर्टिकुलर जाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोबारा इलेक्शन कराना इज़ अ टफ, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वोटर्स का एक्सप्रेस बैकग्राउंड, ठीक है, वोटर डू नॉट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस। दूसरा, हमने ये ठान लिया है कि कोई बात नहीं, हमने तो पार्टी को वोट दिया है तो फर्क नहीं पड़ता कोई किधर बदल रहा है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, तो हम लोग कोई भी गुस्सा या एक्सप्रेशन शो करते ही नहीं है। कुछ और चीजों की बात करें, अब रिफॉर्म की जरूरत क्यों है, क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने बीच में कहा था कि इसमें पर्टिकुलर जो स्पीकर है, मान लो कोई भी पर्सन ए है, उसको उसकी पार्टी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, पर वो न्यायालय तब जाएगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन उसके ऊपर फैसला दे,
कि भाई वो सच में डिस्क्वालीफाई है, बट रीज़न यहाँ पे ये है कि चेयरमैन फैसला देने में उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी टाइम में फैसला दे, तो टाइम लिमिट नहीं है तो बेचारा वो तो अदर झूल में अटका ही पड़ा रहेगा। 5 साल के इलेक्ट हुआ है, 5 साल तो चेयरमैन ऐसे ही ले लेगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न है, जो एक फॉर्मर जो SB सावंत जो जज थे उन्होंने भी इसके बारे में इसको कहा था। ठीक है, और रिफॉर्म की बात इसलिए भी कही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो पावर में है वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिफॉर्म अगर होगा तो वो लोग जनता के लिए सही चुनेंगे या जनता के लिए एक सही चीज़ का चुनाव कर पाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, लेट्स टेक अ समरी। ठीक है, दल बदलू कानून क्या है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पर्सन है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के में जाके चला जाए, ठीक है, एक पार्टी से टिकट मिलने के बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, इसमें इसको हम दल बदलू कानून कहते हैं। सरकार आम जनता के लिए नुकसानदायक है क्योंकि जब वो एक से दो पार्टी में शिफ्ट करता है तो वो मनी, ठीक है, बाइबरी, रिश्वत या पर्टिकुलर पोजीशन के लिए चेंज करता है। याद रखिएगा जो नेता है, जो पॉलिटिकल राजनेता है, वो जो डिफेक्शन करता है या दूसरी पार्टी में जाता है वो अपनी जो पावर है वो कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो याद रखिएगा ऐसे लोग जो कि सिर्फ मनी के लिए राजनीति में आए हैं या पोजीशन के लिए राजनीति में आए हैं वो सेवा तो क्या ही करेंगे। याद रखिएगा अगली बार जब आप वोट दें, इस बार राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, पूरे भारत में इलेक्शन होने वाला है, तो इस बार जब आप वोट दें तो याद रखें कि वोट किसको देना है। कैंडिडेट वो चुने जो अपने लिए ना सोचे, कैंडिडेट वो चुने जो कि आपके लिए सोचे, उस कैंडिडेट को वोट दें जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस ना हो, उस आदमी को वोट दें या उस कैंडिडेट को वोट दें जो आपके बारे में सोचे, आपके क्षेत्र का विकास करें, पूरे भारत का विकास करें। आप अपना वोट जरूर दें और उसको दें जिसको आप सबसे सही मानते हो। इन ये विज्ञापन, भ्रम, सोशल मीडिया, इन सब में ना आए, अपनी सोच से सही जगह पे आप वोट दें। और जब वोट दें तो आप सोचें कि क्या ये पर्सन अगले 5 साल मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो उम्मीदें उन पे खरा उतरेगा। ठीक है, तो अपना वोट जरूर दें। बाकी आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। इस वीडियो के एंड होने से पहले आई वुड लाइक टू से माई स्पेशल थैंक्स टू द इंटायर टीम ऑफ मोदी करियर इंस्टीट्यूट, इस स्लाइड बनाने के लिए, इस पूरा सेटअप करने के लिए। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू मिस्टर टू द दर्शील सिंह, मनीष, मिस्टर मुकेश फॉर मेकिंग दिस ब्यूटिफुल PPT, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स मिस्टर फैजान नवाज फॉर दिस ब्यूटिफुल ग्राफिक्स। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने फेसबुक के स्टेटस पे जरूर लगाएं ताकि ये वीडियो अवेयरनेस फैला सके, लोगों में जागरूकता फैला सके। बाकी मैं हर्ष आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।